दोस्त, वेलकम टू आवर सुषमाज किचन। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल छोला। इस छोले को आपने कभी भी ट्राई नहीं करा होगा, तो चलिए देखते हैं ये छोला कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कुकर, उसमें हम डाल देंगे छोले। मैंने इस छोले को लगभग 1 से 2 घंटा पहले फूलने के लिए पानी में रख दिया हुआ था। इसमें अब हम डाल देंगे खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, हरी मिर्ची, एक टुकड़ा अदरक, दालचीनी, इलायची। आप यहाँ पे बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग, कुछ लहसुन की कलियां। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के टमाटर को कट कर लिया है बड़े बड़े साइज में, और प्याज, 2 से 3 प्याज मैंने यहाँ पे लिया है जिसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी, और अब इसका ढक्कन लगा के हम इसको गैस पर 2 से 3 सीटी आने तक डाल देंगे। अब इसका गैस निकल चुका है, तो अब हम इसकी आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब हम इस छोले को एक बार देख लेंगे अच्छे से कि ये पक गए हैं या नहीं। तो देख सकते हैं मेरा छोला यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें जितने भी खड़े मसाले रखे थे वो हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता, अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। हमें यहाँ पे जीरे को इसमें चटकने देना है। जब जीरा इसमें थोड़ा सा चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्ची, इसे भी हमें इस तेल में चटकने देना है। जब सब अच्छी तरह चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 2-3 बड़े साइज के प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था। हमें यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। जब प्याज हमारा थोड़ा सा भून जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा भून लेना है। जब सभी अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, फिर 1 चम्मच हम डाल देंगे घर वाले बेसिक मसाले जैसे कि इसमें मिक्स है मेरा यहाँ पे धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, मीट मसाला, सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप यहाँ पे मिर्ची अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इन मसालों को तब तक भून लेना है जब तक इन मसालों में से तेल ना छूट जाए। जब सारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार देख के डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी छोला में नमक रखा हुआ था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट फिर से भून लेना है। जब सारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे छोला। 1-2 मिनट के लिए छोले को हम इस मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। अब हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है।
हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर कभी छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इसका प्लेट हटा देंगे। अब हम इसे एक दो बार और चला लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा छोला बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारा यहाँ पे छोला बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी छोले की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।